जय हिंद दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट का टेस्ट नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और यह जो है आपको 4/4/2023 को यह सेट दिया गया था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वास्तविक विलयन के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, ए है, यह एक समांग मिश्रण होता है। बी है, इससे होकर प्रकाश के किरणें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सी है, इनके कणों का आकार 10^-8 सेंटीमीटर से भी कम होता है। डी है, हवा वास्तविक विलयन के उदाहरण है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी इससे होकर प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है सेकेंड। सेकेंड क्या है? उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता ज़्यादा होती है जहाँ क्या होता है, उत्पादक ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता ज़्यादा होते हैं, या अपघटक ज़्यादा होते हैं, या उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों की संतुलित संख्या होती है। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्पादक ज़्यादा होता है, यानी उस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादक ज़्यादा कब होगा, जब उत्पादक जो है आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दो का क्या होगा, ए हो जाएगा। थ्री क्या है? थ्री है कि मानव का भिन्न भिन्न व्यक्ति मानव का कान जो है भिन्न भिन्न व्यक्ति की ध्वनि को सुनकर अंतर कर लेता है। क्या अंतर कर लेता है? कि भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि का तरत्व भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, और भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि की प्रबलता समान नहीं होता, या भिन्न भिन्न व्यक्ति के ध्वनि की गुणता में समान नहीं होती है, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, ठीक है। यानी थ्री का क्या है? थ्री का आपको डी है। अब उसके बाद है फोर। फोर क्या है? फोर है कि कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। ए है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जिसमें 70S तथा 80S, ठीक है, 80S क्या प्रोटीन। उसके बाद है बी, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके दो सब यूनिट हैं जो 30S तथा 50S है, ठीक है। सी है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी दो सब यूनिट हैं, 40S तथा 60S। डी है, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको कि राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के फैक्ट्री जो है किसको बोलते हैं? राइबोसोम को ही बोलते हैं। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद है फाइव। फाइव क्या है कि निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पहला, ए है, ठोस का द्रव में परिवर्तन या गलना, या द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथनांक, और गैस का द्रव में परिवर्तन जमना, और द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना। क्या पूछ रहा था? कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, गैस का द्रव में परिवर्तन जमना। उसके बाद है सिक्स। सिक्स है, साइन थीटा की विमाएं हैं L2M, ML या नहीं होता, यानी होता ही नहीं है, यानी साइन थीटा की विमाएं क्या होगा। तो साइन थीटा की विमाएं जो है आपको होता ही नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद है सेवन। सेवन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव हृदय में केवल शुद्ध रक्त भरा होता है। उसके बाद है, मानव हृदय में केवल अशुद्ध रक्त भरा होता है, ठीक है। उसके बाद है सी। सी क्या है कि थ्री है, मानव हृदय में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त दोनों भरा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल थ्री होगा, क्योंकि मानव हृदय में शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है, ना कि शुद्ध होता है और ना ही अशुद्ध होता है। कहने का मतलब कि इसमें दोनों होता है हृदय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, केवल थ्री हो जाएगा। अब उसके बाद है एट। एट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय विलयन की शक्ति पीएच मान के समानुपाती होता है। दूसरा है, क्षारीय विलयन की शक्ति पीएच मान के व्युत्क्रमानुपाती। तो इनमें से कौन सा सही होगा? इसमें से सही जो होगा वो आपको है कोई नहीं, यानी ना तो एक ना तो दो, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नाइन क्या है? नाइन है आपको न्यूमेरिकल। एक टावर के ऊपर से एक पत्थर को सीधे नीचे गिराया गया तो पत्थर 4 सेकंड में जमीन पर गिर जाती है, तो टावर की ऊंचाई कितना होगा?
जी का मान दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका आप आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 20 मीटर। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 10 क्या है, 10 है कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, एक वायरस, एक प्रोग्राम, प्रोग्राम में एक गलती, या डी है चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोग्राम में एक गलती। 11 है, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधों के विभिजैवतिक उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है, ए है यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, बी है इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है, सी है इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, डी है इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। 11 का क्या होगा, 11 का बी हो जाएगा। अब उसके बाद है 12। 12 क्या कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है, ए है सभी तत्व निश्चित द्रव्यमान वाले सूक्ष्म कण परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है परमाणु को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद है 13। 13 क्या है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होगा, तय की गई दूरी के हमेशा बराबर, या तय की गई दूरी से अधिक, या तय की गई दूरी से हमेशा कम, या तय की गई दूरी से कम, ठीक है, कम हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तय की गई दूरी से कम हो सकता है, यानी किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण जो है उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद है 14। 14 क्या है कि क्वांटासोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का समूह, क्लोरोफिल अणु का समूह, या न्यूरॉन का गुच्छा, या मायोसिन प्रोटीन का ढेर। 14 का क्या होगा, 14 का हो जाएगा आपको बी, क्लोरोफिल अणु का समूह। 15 क्या है, 15 है हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है H+OH- H3O+ या H3O-। 15 का क्या होगा, 15 का हो जाएगा आपको सी H3O+। 16 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, 1 अर्ग = 10^-7 जूल, या 1 eV = 9.11 × 10^-28 जूल, या 1 कैलोरी = 4.186 जूल, या 1 किलोवाट = 3.6 × 10^6 जूल। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बी है जो सुमेलित नहीं है, बाकी 3 A, C, D ये सब सही है। 17 क्या है, 17 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सभी वायरस परजीवी होते हैं, या वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, सी है वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, डी है वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। 17 का क्या होगा, 17 का हो जाएगा आपको डी, वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। 18 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन की बनी होती है ना, और एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटीन की बनी होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कैथोड जो किरण है वो आपको इलेक्ट्रॉन का बना होता है, और एनोड कैनाल किरणें और प्रोटीन दोनों का बना होता है। अब उसके बाद है 19। 19 क्या है कि विरामावस्था में 25 kg के एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकंड तक कार्य करता है, तो पिंड में उत्पन्न वेग का मान, यानी वेग वेलोसिटी पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 80 m/s। न्यूमेरिकल अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 20 क्या है, 20 है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है, नासिक, माउंट आबू, पुणे, हैदराबाद। 20 का हो जाएगा आपको माउंट आबू, यानी आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है माउंट आबू में अवस्थित है। 21 है, गिलहरी एवं सांप द्वारा होने वाला प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मालाकोफिलस, या क्रिप्टोफिली, ऑर्निथोफिली, या हाइड्रोफिली।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा माला कोफिलस, यानी 21 का ए। 22 है, वाट लेट ने सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस का यौगिक बनाने में सफलता प्राप्त की? हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन। तो वाट लेट ने सर्वप्रथम किस उत्कृष्ट गैस का, निष्क्रिय गैस का यौगिक बनाने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका हो जाएगा आपको जेनॉन, ठीक है। और इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस कौन से वर्ग में आता है? ये आता है आपको 18वां वर्ग में, ठीक है। कौन कौन सा है? जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? इनर्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस बोल सकते हैं। अब उसके बाद है 23। 23 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है, प्रकाश जब किसी माध्यम में गमन करता है तो कण प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। तीसरा है, प्रकाश जब किसी पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो तरंग प्रकृति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल एक होगा, यानी प्रकाश कण तथा तरंग दोनों समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। 24 क्या है? 24 है, आपको निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, या फियोफाइसी भूरा शैवाल, या रोडोफाइसी लाल शैवाल? 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा आपको डी, यानी क्लोरोफाइसी का मतलब होता है हरा शैवाल होता है, और फियोफाइसी मैंने भूरा शैवाल, और रोडोफाइसी लाल शैवाल, यानी तीनों का तीनों सही है। क्लोरोफाइसी क्या होता है? हरा शैवाल होता है, फियोफाइसी भूरा, और रोडोफाइसी लाल शैवाल। अब उसके बाद है 25। 25 क्या है कि रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात, या अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था, या अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षयोष्मी? डी है, अभिक्रिया का वेग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात। 26 है, स्थैतिक घर्षण होता है सर्पी घर्षण से अधिक, या सर्पी घर्षण से कम, या सर्पी घर्षण के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। सर्पी यानी सर्पीला गोलाकार जिसको बोल सकते हैं। 26 का क्या होगा? 26 का ए, यानी सर्पीले घर्षण से अधिक। 27 क्या है? 27 है, 30 डिग्री सेल्सियस और एक बार दाब पर 500 DM3 वायु को संपीड़ित करके 200 DM3 करने हेतु आवश्यक न्यूनतम दाब कितना होगा? 1.5 बार, 2.5 बार, 3.5 बार, या 4.5 बार? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2.5 बार, यानी ये भी आपको न्यूमेरिकल है, आपको बार बार बता रहे हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं है। उसके बाद है 28। 28 क्या कहता है कि दो पतले लेंस जिनकी क्षमता +3.5D तथा -2.5D है, तो एक दूसरे के संपर्क में है, तो इस संयोजन लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? 1 मीटर, या 1.5 मीटर, या 2.5 मीटर, या 3.5 मीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 मीटर। अब उसके बाद है 29। 29 क्या कहता है कि कॉर्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है क्योंकि यह ध्वनि का प्रवर्तन करता है, या ध्वनि का अपवर्तन करता है, या ध्वनि का अवशोषण करता है, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का क्या होगा? ध्वनि का अवशोषण करता है, यानी कॉर्क एक अच्छा एकॉस्टिक पदार्थ है कब? जब ध्वनि का वह अवशोषण करता है। 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 है, ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीवी का विशेष लक्षण है? पोरीफेरा, कार्डेटा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। 30 का क्या है? 30 का हो जाएगा पोरीफेरा, यानी ऑस्ट्रिया तथा ऑस्कुलम किस संघ का जीव है? पोरीफेरा का है। 31 है, MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होगा? -1, +5, +7, +8। इसमें जो होगा वो होगा आपको मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होगा। अब उसके बाद है 32। 32 है, किसी मकान की छत से गेंद गिराई जाती है और उसी समय एक दूसरी गेंद क्षैतिज फेंकी जाती है,
कौन सी गेंद जमीन पर पहले गिरेगी? क्षैतिज फेंकी गई गेंद पहले गिरेगी, या पहला गेंद पहले गिरेगी, या दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों गेंद जमीन पर एक ही साथ गिरती है। 33 क्या है? 33 है निर्जीव और सजीव के बीच का योजक कड़ी है, विषाणु, इवलिना, पेरिपेटस या इकिडना। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, यानी विषाणु। 34 है दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या होगा? रेडिएटर, रडार, रेडियो, माइक्रोमीटर या रेन गेज। 34 का आपको हो जाएगा रडार, ठीक है। 35 है एबीज यानी पक्षी वर्ग के जीवों में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, यानी पक्षी वर्ग के जीवों में कौन कौन सा विशेषता पाई जाती है? तो यह है ए नियत तापी जीव है, या इन जीवों का अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाता है, या इन जीवों में हल्की तथा स्पंजी हड्डियां पाई जाती हैं, या इनके जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको तीनों सही है, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। 36 है कि घर्षण बढ़ाने का एक उपाय क्या होगा? पॉलिश करना, रुखड़ा करना, या धारा, रैखिक आकृति आकृति बनाना, या स्नेहक का प्रयोग करना। तो 36 का क्या हो जाएगा? सी है ना, रुखड़ा करना। यानी घर्षण कब होगा, घर्षण कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? किसी वस्तु को रगड़ के, यानी रुखड़ा करके, ठीक है। 37 क्या है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपकरण, ऑक्सीकरण, उदासनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी शरीर में भोजन का पचना जो है आपको ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। 38 है एड्स का कारक फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। एड्स का कारक है ना, पहले तो बताइए कि एड्स जो है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स को खत्म करने के लिए जो है आपको लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत सरकार द्वारा? तो वो आपको है 2030। तो एड्स का कारक क्या होगा? फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो यह इनमें क्या होगा, एड्स का इनमें से कोई नहीं, यानी न तो फंजाई, प्रोटोजोआ और न ही बैक्टीरिया, ठीक है। यह क्या है? वायरस है एक तरह से। 39 क्या है? 39 है कि निम्न में क्या है, निम्न में कौन सा गैस जो है धातु वेल्डिंग में प्रयोग होता है? एसिटिलीन, एथेन या ब्यूटेन एथिलीन। यानी धातु वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग क्या होता है, कौन सा धातु वेल्डिंग में यानी गैस प्रयोग होता है, कौन सा गैस प्रयोग में आता है? तो यह जो है आपको एसिटिलीन, एसिटिलीन आता है, ठीक है। और ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन तो आपको एलपीजी गैस में होता है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। और गैस जो धातु बिल्डिंग में प्रयोग होता है वो होता है आपको एसिटिलीन। 40 क्या है? 40 है कोई वस्तु अपने भार से अधिक भार के जल को विस्थापित कर सकती है, तब वह वस्तु जल में क्या होगा, डूबेगा, तैरेगा, या कभी डूबेगी तो कभी तैरेगा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा आपको बी, तैरेगा। 41 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो मानव हृदय में जो कक्ष होता है वो आपको 4 होता है। 42 है कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल जो है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कार्बोलिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा आपको C6H5OH, यानी 42 का सी। 43 है यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच की अपेक्षा हवा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। 2/3, 1/3, 3/2 या 1/2। 43 का क्या हो जाएगा आपको? 2/3। 44 है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण है, नर, ठीक है। नर का क्या हो जाएगा, नर का गुणसूत्र क्या होगा? नर का हो जाएगा आपको XY और मादा का XX, यानी 44 का क्या हो जाएगा आपको? XY यानी सी। 45 है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, तरल अवस्था में, ठीक है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो 45 का हो जाएगा आपको बी, सॉरी ए, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है आपको कमरे के ताप पे भी क्या होता है, तो द्रव अवस्था में होता है,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि तरल अवस्था में पाई जाने वाले अधातु, तो अधातु ब्रोमीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 है, 60 डिग्री सेल्सियस ताप फारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, 140 डिग्री फारेनहाइट, 120 डिग्री फारेनहाइट या 130 डिग्री फारेनहाइट या 98 डिग्री फारेनहाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 140 डिग्री फारेनहाइट। 47 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है राइबोसोम में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लाइबोसोम में, यानी श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होगा, तो यह जो संपन्न होता है वो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब उसके बाद है 48। 48 क्या है कि जल गैस किसका संयोजन है, यानी जल गैस किसका संयोजन है, किस किस से मिलकर जल गैस बनता है, तो CO तथा H2O या CO2 तथा CO या CO तथा H2। हाँ, तो जल गैस जो बनता है वो आपको CO तथा H2, यानी 48 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 49 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव। किलोवाट घंटा जो है वो आपको है विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी 49 का क्या हो जाएगा, सी। 50 है, निम्नलिखित में क्या बड़े शहरों के वायु को प्रदूषित करता है, तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। तो जो प्रदूषित करता है, यानी कहने का मतलब कि क्या है क्वेश्चन, कि बड़े शहरों के वायु को, यानी वायु को प्रदूषित कौन सा तत्व करता है या धातु करता है, वो है कौन, आपको सीसा, ठीक है। यानी 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा आपको सी। तो आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन का सीरीज था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट हर समय मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।